Students of class 2nd, this is the video about the subject of conversation, and this is your book Conversation Mania 2. I'm your conversation teacher Aparna Dubey. Let's start the lesson of this. Ye hai aapka page number 8 and lesson is a general vocabulary. Iska matlab hai ki isme aapko samanya shabdon ko padhenge jo ki hamare daily ke use mein roz pratidin ke jeevan mein kuch aise english ke shabd hote hain jinko hum pratidin hi use karte hain, to inko aapko samajhna zaruri hai ki waqai inki hindi kya hai. Kabhi kabhi aisa bhi hota hai ki hum english ke shabdon ko itna samanya roop se use karte hain ki bhool jate hain ki wo hamare inke alag se bhi koi meaning hindi mein hoti hai. To chaliye bachchon jaldi se shuru karte hain aur ye padhna shuru karte hain. आपका सबसे पहला फर्स्ट कॉलम है आपका दिया हुआ है ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स, रत्न और आभूषण. कुछ रत्न और आभूषण हैं जो कॉमन पहने जाते हैं, उनकी सिंपल इंग्लिश होती है जिसको आप अपने डेली के रूटीन में आप इन शब्दों को यूज़ कीजिए और करते करते आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे और आपको इंग्लिश बोलना ईजी हो जाएगा. जब हमें वर्ड्स आते हैं तब हमको बोलना भी आसान होता है, क्योंकि उसके बाद हमको सिर्फ थोड़े से ग्रामर की यूज़ की ज़रूरत होती है. चलिए, ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स फर्स्ट हैं, रत्न और आभूषण. इनमें कुछ कॉमन नेम है जिनको आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, और कॉपी में राइट डाउन ना भी कर रहे हो अभी तो कम से कम टिक लगा लीजिए अपनी बुक में और इसको लर्न कीजिए. रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी. बैंगल, कंगन या चूड़ी. नोज पिन, नाक की कील. इयररिंग, कुंडल. कुंडल यानी कान में पहनने की चीज़ें. बेल्ट यानी पेटी जो हम कमर में लगाते हैं बेल्ट. आमलेट यानी बाजूबंद, हम अगर अपने बाजू यानी बाहों में कोई चीज़ पहनते हैं बाजूबंद. नेकलेस, हार. डायमंड यानी हीरा. पर्ल मीन्स मोती. इनमें से कोई भी फाइव, रिंग, बैंगल, बेल्ट, नेकलेस एंड पर्ल, ये आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, या तो इन्हें आपको टिक लगा करके लर्न करके रखना है. आपके टेस्ट में ये चीज़ें काम आएंगी. जो जिसे भी टिक लगाने के लिए बोला जाए, अलग से उसको अंडरलाइन करने को बोला जाए, उसको प्लीज़ करते चलिए. प्रोफेशनल्स, कुछ व्यवसायी होते हैं ऐसे जो कि हमारे आसपास के जीवन में हमेशा हमारे आसपास दिखते हैं, जिनका हम प्रॉपरली कॉमनली यूज़ करते हैं. फर्स्ट है टीचर यानी अध्यापक. बचर यानी कसाई. फार्मर, किसान. कुली, कुली यानी सामान ढोने वाला जो कि रेलवे स्टेशन पर होते हैं. बैंकर, बैंक का हेड जो होता है जिसे महाजन भी बोलते हैं. इंजीनियर, अभियंता. मैजिशियन, जादूगर. वीवर, जुलाहा. डॉक्टर, चिकित्सक. टेलर यानी दर्जी. इनमें आपको टीचर, फार्मर, बैंकर, डॉक्टर एंड टेलर, इन पांच को लर्न करके रखना है, नीट टिक लगा लीजिए. उसके नीचे आ जाए स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जिनका हम कॉमनली इंग्लिश में नाम ले सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं. ब्लॉटिंग पेपर, सोखता. ब्लैंक पेपर, कोरा कागज़. बॉल पेन, वो पेन कलम या पेन जो होती है आपकी जिससे आप लिखते हैं. ब्लू इंक, नीली रंग की स्याही. कंपास, प्रकार. कॉर्क यानी डॉट, एक लकड़ी का गुटका सा जो किसी शीशियों में लगाते हैं. फॉरकैप्स, चिमटी. डिवाइडर, विभाजक यानी स्केल. एनवलप, लिफाफा. इरेजर, रबर. फायर, फाइल. गम यानी गोंद. ग्लू यानी सरेस. इनमें से कुछ कॉमन वर्ड्स हैं बॉल पेन, कॉर्क, फाइल, ग्लू एंड गम. इनको टिक लगा के रखिए. कम एट द सेकेंड पेज, ये है आपका सेकेंड पेज. आ जाइए, यहाँ कुछ चीज़ें भी और भी हैं जैसे कि सेल बेल, डिक्शनरी, ग्रीटिंग कार्ड, लीगर, मैप, न्यूज़पेपर, पिन, पेन, क्लिप, पेंसिल, पोस्ट कार्ड, इंक पॉट, रजिस्टर, सील. स्केल यानी पैमाना, आप जानते हो. टेप यानी फीता नापने के लिए. मार्कर यानी मार्कर, मार्क निशान लगाना. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों पर, यहाँ पे देखिए निशान लगे हुए हैं, मैंने पेंसिल लगा रखे हैं, इनको आपको भी टिक लगा लेना है. चलिए, इनमें से एनी, मैंने आपको ऑलमोस्ट 10 बताए हैं आपके स्टेशनरी में, आपको कोई भी 5 तो कम से कम लर्न करके रखना है. इसके बाद आ जाइए फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स पर. कुछ कॉमन जो नेम है, ये देखिए एप्पल है, एप्रिकॉट, बनाना, ब्लैकबेरी, मैंगो, मलबरी, मेलॉन, क्यूकम्बर, फिग, मैरीगोल्ड, डहेलिया, पोटैटो, गुआवा, ग्रेप्स, लीची, पियर, पाइनएप्पल, लोटस, रोज, लिली, हिबिस्कस, कैरेट, बिटर गार्ड, गार्लिक. तो यहाँ पे आपको फल, फूल और सब्जियों को अलग अलग करना है, इतना तो आप कर सकते हो. हिंदी में इसकी मीनिंग समझ करके इसको आप
डिवाइड करोगे, पांच पांच इनके भी आपको लर्न करके रखने हैं। कॉपी में किसी फ्री कोई भी आपके पास कोई पुरानी कॉपी हो तो आप उसमें लिख भी सकते हो, अदरवाइज़ आप कम से कम बुक में तो मार्क करके ज़रूरी रखिए। चलिए आगे के लेसन से आगे के पेजेस को पढ़ने के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।